अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 10 का दाखला नंबर 6 पढ़ेंगे। लास्ट पीरियड में हमने चैप्टर नंबर 10 का दाखला नंबर 4 और 5 पढ़ा था। अब हमको यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 में दाखला नंबर 6 एक्सरसाइज का पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर दाखला नंबर 6 की रकम है वल्लभ द्वारा नीचे प्रमाणे काचो सरवैयो बनावामां आवे छे। आपके पास बुक होगी, रकम लिखी हुई है। जो तेमा भूल होए तो सुधारेलो काजू सरवैयू बनाओ अने तेना कारणों आपो। ठीक है, अब हमको यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 का दाखला नंबर 6 करना है। यहाँ पर दाखला नंबर 6 की जो रकम दी हुई है उसमें कुछ इस तरह की रकम दी हुई है। अब हमको यहाँ पर उधार की रकम उधार बाजू लिखना है और जमा की रकम को जमा बाजू लिखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ की रकम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ की सारी एंट्री करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है शुरुआत नो स्टॉक में पहले दो दाखिले किए थे, उसमें एंट्री की थी हमने। शुरू का स्टॉक लिखा जाएगा 6000 उधार रकम में। उसके बाद दिया हुआ है वेचाण हमेशा जमा बाजू पर आता है। वेचाण की रकम लिखेंगे जमा बाजू पर 86000। उसके बाद है वेचाण परत, जब माल बेचते हैं वो बेचा हुआ माल जब वापस आता है आवे तो उधार, तो वेचाण परत उधार होगा 4000। उसके बाद है मजदूरी और पगार, मजदूरी और तनख्वाह, उसके अंदर जब मजदूरी होती है वो व्यापार खाते में जाती है, तनख्वाह होती है वो नफा नुकसान के खाते में जाती है, वो वार्षिक हिसाब में एंट्री आएगी। अभी फ़िलहाल मजदूरी और तनख्वाह कारोबार में हमारे लिए खर्च है, तो खर्च होता है उधार बाजू पर 31000। उसके बाद दी हुई है लेनी हुंडी यानी लेने का पैसा देवादारों के पास से जो लेना होता है उसकी एंट्री उधार बाजू पर होती है। लेनी हुंडी उधार, देवी हुंडी जमा। लेनी हुंडी उधार बाजू पर 8000। देवादार उधार बाजू पर 10000। उसके बाद है भाड़ा कारोबार में हमको चुकाना पड़ता है, भाड़ा है 4000। उसके बाद है रोकड़ की एंट्री उधार बाजू पर आती है, रोकड़ उधार बाजू पर 1800। उसके बाद है लेनदारों जमा बाजू पर 7900। आखिर स्टॉक आखिर में जो स्टॉक बचा वो शुरुआत का स्टॉक, आखिर स्टॉक उधार बाजू पर 34800। आखिर स्टॉक हमारे लिए जायदाद है और जायदाद की एंट्री हम उधार बाजू पर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दाखिले में इस तरफ की सारी एंट्री हो गई है। अब यहाँ की सारी एंट्री करेंगे हम लोग, जिसके अंदर पहली एंट्री दी हुई है पूंजी लिखेंगे जमा बाजू पर 61000। उसके बाद है वटाव यानी छूट जब मिली हुई होती है तो उसे जमा बाजू पर लिखा जाता है। मिली हुई छूट का मतलब होता है बचत, और बचत होती है जमा बाजू पर, और दी हुई छूट मतलब होती है खर्च। हमने किसी को छूट दिया, डिस्काउंट दिया, तो ये हमारे लिए खर्च, एक तरह का नुकसान हुआ, हमको जितना पैसा मिलना चाहिए था उससे कम पैसे मिले, तो वो उधार बाजू पर लिखी जाती है। फिलहाल छूट बटाव आपियो यानी छूट हमने दी हुई है, तो दी हुई छूट उधार बाजू पर 1500 रुपये। उसके बाद है कमीशन मिला, मिली हुई सारी चीज़ जमा बाजू पर, दी हुई चीज़ें उधार बाजू पर, कमीशन मिला 1700 रुपये। स्थिर मिलकत यानी जायदाद हमारी, जायदाद की एंट्री करेंगे उधार बाजू पर 61000। उसके बाद है खरीदी ऑलवेज उधार, फरोख ऑलवेज जमा 46000। और खरीद परत, जब हम माल खरीदते हैं तो आता है, लेकिन जब खरीदा हुआ माल वापस करते हैं तो माल जाता है, और जाने की एंट्री जमा बाजू पर 3000 रुपये। आवक माल गाड़ा भाड़ू, हमारे पास माल आया है उसका किराया हमने चुकाया,
आने के माल का किराया हो या जाने के माल का किराया हो, ये हमारे लिए खर्च है और खर्च ऑलवेज उधार बाजू पर। जावक माल गाड़ा भाड़ू, जाने के माल का किराया, ये जो माल हमारा जा रहा है, जाने का माल है, उसकी एंट्री जावक माल, आवक माल गाड़ा भाड़ू 1600, जावक माल गाड़ा भाड़ू 1700। चलो अब यहाँ पर देवी हुंडी, लेनदारों के पास से देवी हुंडी ली जाती है और देवादारों के पास से लेनी हुंडी ली जाती है। लेनदार और देवी हुंडी दोनों जमा बाजू पर होती है। 13000 ब्याज चुकाया हमने, जब हमने ब्याज चुकाया है तो हमको खर्च हुआ है, ब्याज चुकाए हुए ब्याज की एंट्री 3000 उधार बाजू पर। ठीक है, अब टोटल यहाँ पर इसका दोनों का टोटल और टोटल सेम होना चाहिए। टोटल इनका 189600 रुपये का टोटल होगा, 189600। चलो तो अभी यहाँ पर दोनों एक बाजू का टोटल कितना हुआ है, 189600, लेकिन यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, 175600 हो रहा है, 4000 की भूल आ रही है। ठीक है, आपने भी टोटल किया होगा, 4000 की भूल आई होगी, तो जो भूल आई है उसकी एंट्री हम उपलक के खाते में लिखेंगे। उपलक का खाता, एक्स्ट्रा का खाता, उपलक यानी ज्यादा का, ज़्यादा का खाता जिसे उर्दू में ज़्यादा बोलते, ज़्यादा का खाता 4000, ज़्यादा की एंट्री 4000 उपलक्ष के खाते में लेके जाएंगे और दोनों खाते का टोटल सरखा कर देंगे। यहाँ पर हमारा छठा दाखला ख़त्म, सातवां दाखला है एक, तो सातवां दाखला अभी हम लोग कर लेते हैं। मैंने बोला था आपको सिर्फ चार दाखले हैं, चार दाखले तीन पीरियड में ख़त्म हो जाएंगे, तो अभी यहाँ पर हम चौथा दाखला कर लेते हैं। नेक्स्ट पीरियड से इंशाल्लाह हम बैंक सिलक मेड का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बैंक सिलक मेड। तब यहाँ पर दाखला नंबर 7 की एंट्री करेंगे, लिखा हुआ है श्री परेश कुमार नू, तो हम हेडिंग लिखेंगे श्री परेश कुमार नू 31/3/2016 ना रोज नू काचू सरवैयू। तो यहाँ पर विगत, यहाँ पर उधार रकम, यहाँ पर विगत और जमा रकम। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक के बाद एक एंट्री स्टार्ट करते जाएंगे, सारी एंट्री लिखेंगे। एंट्री दोनों साथ में लिखी हुई है, उधार बाकी और जमा बाकी की एंट्री दी हुई है। काचा सरवैया पहले से यहाँ पर बनाया हुआ है, लेकिन परेश कुमार 31/3/2016 रोजनू काचू सरवैया उधार बाकी ने जमा बाकी सरवाड़ों तफावत दर्शावे छे। भूलो सोधी सुधारेल काजू सरवैयू बनाओ। चलो अब हमको पता है कि काचा सरवैया का दोनों का टोटल सेम होना चाहिए, लेकिन टोटल सेम नहीं बता रहा है और दोनों के टोटल में बहुत ज़्यादा मिस्टेक बता रहा है, 2,62,200 और 1,23,000। हमको ये दोनों का टोटल सेम आना चाहिए, इस तरह एंट्री करनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये काचा सरवैया में काफ़ी सारी मिस्टेक्स होगी, जो हमको मिस्टेक्स को हटा कर सही से काचा सरवैया बनाना है। सबसे पहले है एंट्री पूंजी, एक के बाद एक हम एंट्री करते जाएंगे। चलो पूंजी, हमको पता है पूंजी जमा बाजू पर आती है, पूंजी 66,000 जिसे यहाँ पर उधार बाजू लिखा हुआ है, पूंजी जमा बाजू पर लिखी जाती है, तो हम 66,000 जमा बाजू पर लिखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है माल का स्टॉक, चलो अभी हमको पता है ये लिखा हुआ है उधार बाजू पर, हमको पता है माल का स्टॉक उधार हो, शुरू का हो या आखिर का हो, माल का स्टॉक ऑलवेज उधार बाजू पर लिखा जाता है। तो ये 9000 सही एंट्री थी, ये 9000 हम यहाँ पर लिखेंगे उधार बाजू पर। ठीक है, अब इसके बाद है खरीदी, खरीदी इस दाखिले में दी हुई है जमा बाजू पर, लेकिन खरीदी होती है हमेशा उधार बाजू पर। फरोख की एंट्री दी हुई है 96,000 उधार बाजू पर, जबकि फरोख कहाँ होता है, जमा बाजू पर। ठीक है, माल परत उधार, माल परत उधार, तो जो माल परत उधार है इसका मतलब होता है खरीद परत। जो माल परत उधार है, माल परत उधार हमारे यहाँ पर दिया हुआ है 1200 रुपये, जो माल परत उधार है वो खरीद परत होता है।
वो है 1200। माल परत जमा, जमा यानी वेचाण माल, वेचाण जिसे हम जमा एंट्री बोलते हैं। तो माल परत जमा, बेचा हुआ माल वापस आया तो उसे हम वो वेचाण परत होता है, तो उसकी एंट्री है 6000। मजदूरी और पगार तन हमारे लिए खर्च है, तो खर्च की एंट्री करेंगे हम 11400। जाहिरात खर्च, खर्च है 2580। चुकवेल भाड़ू खर्च है 1800, जो जमा बाजू पर है हमने भाड़ा चुका है, हमारे लिए खर्च है। घालखाद, घालखाद यानी डूबा हुआ कर्ज, डूबा हुआ कर्ज हमारे लिए नुकसान है और नुकसान भी होता है उधार बाजू पर। मकान, मकान है हमारी जायदाद, उसकी एंट्री उधार बाजू पर। लेनदार, लेनदार दिए हुए हैं 9000, लेनदार की एंट्री होती है जमा बाजू पर 9000। देवादार 8400, देवादारों की एंट्री होती है उधार बाजू पर 8400। सामान्य अनामत, सामान्य अनामत, अनामतें जो जाती है जमा बाजू पर। सामान्य अनामत 5400, जमा बाजू पर एंट्री होती है। आवक वेरा यानी इनकम टैक्स, ये हमको चुकाना पड़ता है, ये हमारे लिए खर्च है, तो इनकम टैक्स की एंट्री 1800 रुपये उधार बाजू पर। बैंक सिलक, बैंक सिलक, रोकड़ सिलक उधार बाजू पर। हाथ पर पैसा, बैंक सिलक का मतलब बैंक में पैसा, रोकड़ सिलक का मतलब हाथ पर पैसा, तो ये पैसा हमारे लिए जायदाद है, जैसे घर, घर बार, ये सब हमारे लिए जायदाद है जो हमारी स्थिर मिलकत है, जो दिखाई देने वाली मिलकत है स्थिर मिलकत है, लेकिन पैसा, स्टॉक, ये सब फौरन बेच के पैसा खड़ा कर सकते हैं, ये चालू मिलकत है, तो ये मिलकत सारी उधार बाजू पर। डिविडेंड, डिविडेंड की एंट्री, डिविडेंड हमने चुकाया, डिविडेंड की एंट्री 5000। कमीशन मड़ियू, कमीशन हमको मिला है तो उसकी एंट्री होगी जमा बाजू पर 10000। और उसके बाद है लेनी हुंडी, देवादार और लेनी हुंडी उधार बाजू पर 15000। ठीक है, अब हमने दोनों का टोटल किया है, दोनों का टोटल अभी भी सेम नहीं आ रहा है, 1,92,600। दोनों के टोटल में 5000 का डिफरेंस है। अब ये यहाँ पर जो डिविडेंड की एंट्री है, तो या तो डिविडेंड चुकाया हुआ भी हो सकता है, या तो डिविडेंड मिला हुआ भी हो सकता है, दोनों एंट्री हो सकती है, या तो चुकाया हुआ हो सकता है या तो डिविडेंड मिला हुआ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमको जिक्र नहीं किया हुआ है कि डिविडेंड मिला हुआ है या चुकाया हुआ है, तो अब सेम नहीं आ रहा है टोटल, तो हम डिविडेंड को यहाँ लिख देंगे 5000, यहाँ से कट कर देंगे, दोनों की एंट्री आ जाएगी 1,92,600। यहाँ पर भी एंट्री आ जाएगी 1,92,600। दोनों का टोटल सेम हो गया, ये हमारे दो पाका सर्वैया बने हैं, दो तरह के पाका, दो पाका सर्वैया, सुधारेला पाका सर्वैया हमारे यहाँ पर बना है। ठीक है, इस तरह की एंट्री होती है। अब नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह बैंक सिलक मेड के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।